काशी के दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और इसे लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर गंगा आरती होती है। 84 घाटों में विशेष घाट का जिसको दर्जा प्राप्त है वो दशाश्वमेध घाट भी आएंगे, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आरती हो रही होगी और आरती का भी आनंद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लेंगे। जब करगिल युद्ध हुआ था उस दौरान, करगिल युद्ध के बाद जब भारत के वीर जवानों ने फतह हासिल की थी, उसी के बाद से परंपरा शुरू हुई कि देव दीपावली के दिन यहाँ पर इस तरह से एक इंडिया गेट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके बीच में अमर जवान ज्योति जैसा दिल्ली में जलता है वैसा जलेगा। और अपने काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में बन रहे कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे और इसके लिए आपको बता दें कि 55,000 स्क्वायर मीटर में काम चल रहा है। रविदास घाट से दीपोत्सव की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ललिता घाट पर पहुंचेगा और ललिता घाट से वो कार मार्ग से जरिए कार के द्वारा इस रास्ते से होते हुए अपनी महत्वाकांक्षी योजना, जिसका सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो सैकड़ों करोड़ की कीमत से बन रहा है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए वो इसी रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। आपको बता दें लगभग 55,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा कॉरिडोर का काम चल रहा है। अगस्त 2021 में इस कॉरिडोर का काम पूरा होना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।